Hello students. Welcome to today's online class of class 10th. Our today's topic in chapter 12, electricity is mixed combination of resistances. In our previous class, we studied about parallel combination and we have also studied about series combination. So now we will go through the mixed combination of resistances in which some questions are asked, numericals are asked. So yeah, what is mixed combination? और सीरीज में भी कनेक्शन दिख रहा है तो ऐसे कनेक्शन ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज को हम कहने वाले हैं मिक्सड कॉम्बिनेशन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसको हम लोग इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करेंगे तो उसके लिए एक स्ट्रेटेजी ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरल कॉम्बिनेशन हम क्या करेंगे सबसे पहले जो रेजिस्टेंसेज पैरल में कनेक्टेड है उसको हम पहले उसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे उसका इक्विलेंट रेजिस्टेंस निकालने के बाद बाकी जितने रेजिस्टेंस बन रहे हैं उनके साथ में हम उसे मानेंगे कि वो सीरीज में है और फिर सीरीज के लिए उसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर देंगे remember, का, अगर आपने उसे कर लिया है तो एक बार चेक करिएगा कि आपका वो आंसर राइट आया कि नहीं इस क्वेश्चन में पूछा था कि तीन रेजिस्टेंस है पैरल में कनेक्टेड है देखिए करंट बढ़ जा रहा है मतलब में पैरल में कनेक्टेड है पहला रेजिस्टेंस आर वन है पांच ओम का

आर वन इज इक्व टू फाइव होम आर टू इज इक्वल टू टेन होम आर थ्री इज इक्वल टू थर्टी ओम और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा था बैटरी वो था ट्वेल्व वोल्ट का और पूछ रहा था कैलकुलेट करने के लिए कि आई वन पहले रजिस्टर से कितना करेंट दूसरे रजिस्टर से आई टू कितना करेंट तीसरे रजिस्टर से आई थ्री कितना करेंट और टोटल करंट आई कितना होगा सर्किट में और साथ ही कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ये भी पूछा है

सब सम करेंगे तो वो बन जाएगा टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। सभी सबकी वैल्यू पुट करते हैं प्लस सी एलसीएम लेंगे थर्टी आएगा और न्यूमरेटर बनेगा सिक्स प्लस थ्री प्लस वन फाइव से डिवाइड करो थर्टी को सिक्स सिक्स इंटू वन सिक्स टेन से डिवाइड करो थर्टी को थ्री थ्री वन जा थ्री थर्टी से डिवाइड करो थर्टी को वन वन इंटू वन वन

आई की वैल्यू निकालना है को उधर ले जाते हैं अपॉन पहला रजिस्टर पांच ओम का जो था फाइव ओम का उसमें से कितना करंट जाएगा तो देखो ये पैरेलल में कनेक्शन है इसमें बैटरी जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है वो सारे रजिस्टर्स इसको शेयर करेंगे शेयर करने का मतलब इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस सबको मिलेगा सारे रजिस्टर्स को मिलेगा हमने देखा था कि करंट बढ़ता है पैरल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है तो यहाँ पे हमें करंट पता करना है फर्स्ट रजिस्टर से पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाएगा V के बराबर V1 हो जाएगा V के बराबर तो V1 वन इज इक्वल टू आई वन इंटू आर वन ओम्स लॉ के अनुसार उस फर्स्ट रजिस्टर के लिए हम लोग ओम्स लॉ लगा देते हैं I1 की की वैल्यू वैल्यू पता करना है, V1 की अभी हमने देखा V के बराबर है जो बैटरी दे रहा है हमको और R1 की वैल्यू दी वी टू होगा वी के बराबर तो V की वैल्यू 12 है R2 टू की वैल्यू 10 है यानी कि ये हो गया I2 टू की वैल्यू हो गई तीसरे रेजिस्टर, तीसरे रेजिस्टर में होगा आई थ्रीवल टू वी अपन आर थ्री क्यों हुआ क्योंकि V3 is equal to I3 into R3, जहां से V3 v के बराबर होगा तो हो 30 थी. इसको करेंगे तो आएगा जीरो पॉइंट फोर एमपियर तो हमको सारे आंसर मिल गए क्या क्या मिले थ्रू ईच रजिस्टर हमको क्या मिला आई वन टू पॉइंट फोर एमपियर आई टू वन पॉइंट टू एम्पियर आई थ्री जीरो पॉइंट फोर

एक साथ पूछ लिया जाए किसी सर्किट में तो वो कहलाएगा मिक्सड कॉम्बिनेशन और ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का क्या तरीका है अभी मैंने हमने डिस्कस किया था कि आप पहले पैरल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करके इक्वलेंट निकाल दो और बाकी जो बचे उसके साथ में सीरीज की तरह ट्रीट करो तो देखो ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर सर्किट डायग्राम में सिक्स वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और उससे एक आर वन रजिस्टर कनेक्टेड है और उससे दो रेजिस्टर आठ ओम के और ट्वेल्व ओम के एट ओम और ट्वेल्व ओम का पैरल में कनेक्शन है इन दोनों का कनेक्टेड है सेवन पॉइंट टू ओम के रजिस्टर से सर्किट में करंट कितना फ्लो हो, हो रहा है ये नहीं बताया पूछा है कि टोटल सर्किट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना है टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट और पोटेंशियल डिफरेंस आर वन के अक्रॉस इस आर वन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी बताओ बोलता है ये एक नई चीज पूछ लिया है इसके अक्रॉस तो देखते हैं क्या होगा फर्स्ट ऑफ़ ऑल क्या है तो हम चलो नाम दे देते हैं सबको आर वन आर टू आर थ्री तीन रजिस्टर है और पता करो बोलता है टोटल कि रेजिस्टेंस कितना, कितना फ्लो हो रहा और पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना है V1 की वैल्यू पूछ रहा है R1 है तो V1 हो जाएगा वो चलो फर्स्ट स्ट्रेटेजी हमारी यही होनी चाहिए कि हम लोग जो पैरल में कनेक्शन है उसको पहले सॉल्व करके एक रेजिस्टेंस उसका इक्वलेंट बना दे ताकि हम लोग ये रजिस्टेंस इक्वलेंट बनेगा उसको उसको दूसरे रेजिस्टेंस के साथ जो आर है हमारा उसके साथ में सीरीज में ट्रीट करें सीरीज के जैसे तो चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ के देखते हैं सबसे पहले एट ओम और ट्वेल्व ओम रजिस्टर के ट्रीट करते हैं पैरल कॉम्बिनेशन में जो कि R2 और R3 तो उसका इक्वलेंट बन जाएगा RP पी इज इक्वल टू आर टू इंटू आर थ्री अपॉन आर टू प्लस आर थ्री अच्छा ये फॉर्मूला अगर याद नहीं तो याद करिएगा करिएगाइड तो करके देखिए आएगा फोर पॉइंट एट कैसे आया नाइनटी सिक्स का आधा हुआ फोर्टी एट अपॉन टेन फोर पॉइंट एट ओम यानी कि अब जो सर्किट है वो कुछ ऐसा दिखेगा देखो ये हो गया इक्विलेंट रेजिस्टेंस दो पैरल का फोर पॉइंट एट और उसके सामने था सेवन पॉइंट टू ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं आप अरे हाँ बिल्कुल सेम करंट फ्लो होगा मतलब सीरीज आप ही करंट बन जाइए और इनसे आगे बढ़ते जाइए अगर आप डिवाइड नहीं हो रहे स्प्लिट नहीं हो रहे हैं रास्ता दो नहीं मिल रहा है आपको तो मतलब आप सीरीज कॉम्बिनेशन में तो चलो सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह इसको ट्रीट करते हुए टोटल रेजिस्टेंस निकाल देते हैं टोटल रेजिस्टेंस आर टी है मान लो तो आर वन प्लस आरपी के बराबर होगा वो इन दोनों के तो सेवन पॉइंट टू प्लस फोर पॉइंट एट RT हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस ओम है है तो अब हमको सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा RT बस बचा टोटल करंट फ्लो होगा और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है तो चलो टोटल करंट सिक्स करेंट आई हो जाएगा सिक्स अपॉइंट जो कि होगा जीरो चीज और पूछी थी यहाँ पे कि,

आई वन आई के बराबर होगा इसीलिए मैंने लिखा I1 is equal to I, और और की की वैल्यू वैल्यू तो तो हमको कैलकुलेट करना है V1 is equal to I1 की और R1, .2. का मतलब सिक्स वोल्ट यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है पहले रजिस्टर के अक्रॉस वो तो है थ्री पॉइंट सिक्स वोल्ट का तो आखिरी में आंसर लिखेंगे टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट

चलिए एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और उसको सॉल्व करने सॉल्व uh, करना जानना पड़ेगा हमें देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स कि के कितने सारे रेजिस्टर को हम पैरेलल में कनेक्ट करें ताकि एक 220 वोल्ट के पावर सप्लाई मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का बन रहा है तो ऐसा कुछ आप कितने सारे 176 ओम के रेजिस्टर्स को कनेक्ट करोगे पैरेलल में ताकि टोटल करंट जो फ्लो हो रहा है वो 5 एंपियर का मिले देखने से तो बहुत कठिन लग रहा है मगर है आसान गिवन और टू फाइंड लिखकर पता चलेगा देखिए एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है 176 ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस को हम लोग को पैरेलल में कनेक्ट करना है तो इसीलिए मैंने rn 176 ओम ले लिया करंट फ्लो होगा उस पूरे सर्किट में से पांच एम्पियर का और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है टोटल 220 वोल्ट का तो कितने सारे को ऐसे पैरेलल में कनेक्ट करना है ऐसे रेजिस्टर्स कितने सारे लगेंगे जो पैरेलल में कनेक्शन होंगे मान लो एन रजिस्टर्स लगेंगे मान लो एन रजिस्टर्स लगेंगे तो वी नो डैट टोटल रजिस्टेंस इन द सर्किट देखो हमको टोटल करेंट मालूम है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है तो टोटल रजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस भी पता कर सकते हैं सर्किट का तो चलो वी इज इक्वल टू आई इन टू आर टी देखिए यहाँ पे आर एन जो है वो टोटल रेजिस्टेंस नहीं है वो तो एक रेजिस्टर की है ऐसे बहुत सारे में लगेंगे तब जाके वो टोटल रेजिस्टेंस बनेगा तो वी की वैल्यू टू हंड्रेड ट्वेंटी आई की वैल्यू फाइव आर टी की वैल्यू हमको पता चल जाएगी जो की होगी टू हंड्रेड अपॉन टू हंड्रेड ट्वेंटी अपॉन फाइव इसको हम सिम्प्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा 44 ओम यानी कि टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट जो सारे 176 ओम के पैरेलल कनेक्शन से बना होगा वो होगा 44 ओम का इसका मतलब ये हुआ कि 176 ओम के जितने रेजिस्टेंस है जितने भी हैं जितने भी नंबर के हैं उसको मैं पैरेलल में कनेक्ट करूं तो वो टोटल 44 ओम बनाएंगे

N हम नहीं जानते हैं। इसलिए की है, 44 N 176. 176 को ले जाओ तो ये बन गया एन इज इक्ल टू वन हंड्रेड इसका मतलब की चार रेजिस्टेंस जो कि वन ओम के होंगे उनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हमको पांच एम्पियर का करंट मिलेगा

देखिए इसमें पैरेलल कनेक्शन दिख रहा है और साथ में सीरीज में भी कुछ एक रेजिस्टेंस है तो इसमें आप कैलकुलेट करेंगे चार कैलकुलेट करो टोटल करेंट इन सर्किट और फर्स्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस यानी कि आर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, है, है। the across, हो रहा। इसे भी आई होप यू विल बी एबल टू सोल्व दिस इफ यूल्व देन ट्राई टू आंसर इट ऑन द कमेंट्स एंड दिस इज इट फॉर टूडे आज के लिए इतना ही आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड आज हमने पढ़ा मिक्सड कॉम्बिनेशन और न्यूमेरिकल जिस प्रकार के इसमें पूछे जाते हैं ट्राई टू सॉल्व इट कीप स्टडिंग